बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार के निर्देशों के मुताबिक शैक्षणिक संस्थान बंद किए गए हैं। शैक्षणिक संस्थान बंद होने की वजह से बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो, इसके लिए आर्ट ऑफ लिविंग सिरमौर ने 75 जरूरतमंद बच्चों को स्मार्टफोन उपलब्ध करवाए हैं। शैक्षणिक संस्थान डाइट के प्रधानाचार्य ऋषिपाल शर्मा ने बताया कि जिला के 75 बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रखने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग संस्था द्वारा स्मार्टफोन उपलब्ध करवाए गए हैं, ताकि कोरोना महामारी के दौरान बंद हुए स्कूलों के बाद ऑनलाइन पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रखी जा सके। उन्होंने बताया कि जिला सिरमौर में 814 विद्यार्थियों के पास स्मार्टफोन उपलब्ध नहीं थे, जिस पर ऑनलाइन पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। उन्होंने बताया कि इससे पूर्व शिक्षकों से सहयोग से 108 विद्यार्थियों को मोबाइल फोन भी उपलब्ध करवाए जा चुके हैं। फोन हमारा गरीब बच्चों का सहारा, इस प्रकार का एक कार्यक्रम गत वर्ष जुलाई माह में शुरू किया गया था, क्योंकि पिछले कुछ 12 से 14 महीने ऐसे रहे कि जिनमें कोरोना काल की वजह से विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित हुई, शिक्षण संस्थान बंद हो गए थे, लेकिन विद्यार्थियों तक शिक्षा का सारा कंटेंट पहुंचाना एक थोड़ा सा चैलेंजिंग कार्य हो गया था। तो उसमें समग्र शिक्षा विभाग की तरफ से हर घर पाठशाला और व्हाट्सएप भी शुरू किए गए थे, सभी विद्यार्थियों तक ये पहुँचे, इसके लिए हमें सभी विद्यार्थियों के पास फ़ोन होना बहुत ज़रूरी था। लेकिन जब सर्वे हुआ तो उसमें पाया गया कि कुछ विद्यार्थियों के पास फ़ोन उपलब्ध नहीं थे। हमारे जिला सिरमौर में भी 814 विद्यार्थियों के पास फ़ोन उपलब्ध नहीं थे, तो इस कार्यक्रम में जिला सिरमौर ने भी सहयोग दिया और इस प्रकार से सभी विद्यार्थियों तक फ़ोन पहुंचाने जो है इस कार्यक्रम के द्वारा शुरू हुए। प्रथम चरण में 108 विद्यार्थियों तक फ़ोन पहुंचाए गए थे, जिसमें कि 26 फ़ोन जो है डाइट के साथियों ने और 82 साथियों ने, हमारे शिक्षक साथियों ने उपलब्ध कराए थे। कुछ फ़ोन जो है बद्रिका आश्रम सलामू के पास एक आश्रम है, उनके द्वारा जो है हमें उपलब्ध कराए गए थे। और इसी श्रृंखला में अभी आर्ट ऑफ लिविंग के साथी भी जो है आगे बढ़ रहे हैं और उन्होंने भी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है इस कार्यक्रम को लॉन्च करवाया है और इसी कार्यक्रम के तहत उन्होंने सभी ज़िलों में फ़ोन उपलब्ध करवाने शुरू किए। तो आज हमारे ज़िला में भी 75 फ़ोन जो है विद्यार्थियों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके। और अभी भी कुछ फ़ोन हमें और ज़रूरत है, तो बाकी साथियों से भी मेरा निवेदन है कि जो लोग इस अभियान में अपना साथ दे सकते हैं वो विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए इस पुण्य कार्य में जो है सहयोग दें। आर्ट ऑफ लिविंग सिरमौर के समन्वयक सनी सेवल ने बताया कि उनकी संस्था द्वारा प्रदेश स्तर पर शिमला में करीब 1500 मोबाइल मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री के माध्यम से स्कूलों को दिए गए थे। इसी कड़ी में उनकी संस्था ने नाहन डाइट में 75 जरूरतमंद बच्चों को स्मार्टफोन उपलब्ध करवाए हैं, ताकि इस कोरोना का हाल में बच्चों की पढ़ाई को बाधित ना कर सके। ये आर्ट ऑफ लिविंग के प्रोजेक्ट हमारे जब भी कहीं हमारे देश में या कहीं पर भी कोई विपदा आती है, हमेशा हमारी संस्था इन सभी लोगों के साथ खड़ी रहती है। ये श्री श्री रविशंकर जी के इंस्पिरेशन से, उनके आशीर्वाद से हम लोग हर जगह पर अपना कहीं कुछ ना कुछ योगदान जरूर देते हैं। ये अभी हमारा, जैसे आपको पता है कि कोविड का दौरान चला, हमारा बच्चे वर्क घर से पढ़ाई करने के लिए उनके पास फ़ोन की कमी थी। हमने देखा कि हमने एक एजुकेशन प्रोजेक्ट चलाया था एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ हिमाचल के साथ मिलकर, जिसमें कि हमने 3-4 महीने सारे टीचर्स को फ्री योगा क्लासेस कराई थी, बूस्टर प्रोग्राम से कराया था, इम्यूनिटी बूस्टर प्रोग्राम। उसमें हमें पता चला कि बहुत सारे बच्चों के पास फ़ोन्स नहीं हैं, तो हमारी संस्था ने ये डिसाइड किया आर्ट ऑफ लिविंग हिमाचल प्रदेश और श्री श्री रविशंकर जी के आशीर्वाद से कि हम पूरे हिमाचल के जितने भी मैक्सिमम बच्चे जिनको हम पहुँचा सकते हैं ये फ़ोन हम उन तक पहुँचाएँ। इसके अलावा हमने हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ भी हमने प्रोजेक्ट किया, सभी जितने भी कोविड पॉजिटिव केसेस थे उनके साथ हमने फ्री इम्यूनिटी बूस्टर प्रोग्राम दिया। वो इम्यूनिटी बूस्टर प्रोग्राम हमने जो आइसोलेट लोग थे या हमारे हॉस्पिटल में आइसोलेट मरीज थे उनको भी हमने ये प्रोग्राम लॉन्च किया, तो उसमें भी हमने बहुत सारे बच्चों, बहुत सारे कोविड पॉजिटिव लोगों को उनको रिकवरी करने में बहुत बेनिफिट मिला। कितने जिला सिरमौर में हम 75 फोन दे रहे हैं, आज हम डाइट प्रिंसिपल साहब ऋषिपाल शर्मा जी को सौंप रहे हैं। टोटल हिमाचल में हमने 1500 फ़ोन ये डोनेट किए हैं और ये हमने सीएम साहब श्री जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में, एजुकेशन मिनिस्टर हमारे गोविंद ठाकुर जी की अध्यक्षता में हमने ये सेक्रेटरीट में शिमला में हमने लॉन्च किया था और आज हम ये नाहन डाइट में नाहन ऋषिपाल जी को 75 फ़ोन हम सौंप रहे हैं आज। थैंक यू।